दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, इसमें जो बीएड वाले जो हैं प्राइमरी भर्ती से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये डेट लगी थी यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर डेट लगी थी यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 की। यहाँ पर देख लीजिए, इसको बाहर कर दिया गया। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं खुद छत्तीसगढ़ गया हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देख लीजिए, साथ में जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं, और रायगढ़ छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख लीजिए, पंजीकरण विभाग के छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पे जो कार्यालय है ये, यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, जूम करके दिखा दूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत एकदम से यहाँ पर जो है ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ के तुरंत फ्लाइट पर पड़ गए, फिर मेरे को जाना पड़ा। ये क्या हो गया है ना, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, जिला रायगढ़ और छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आप ये देख लीजिए। साथ में आप यहाँ पे देख लीजिए, फिलहाल जो है बीएड वाले जो हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मैं आ गया हूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं, इस इन्वेस्टिगेशन पता लगाने के तुरंत मैं वहाँ पर पहुँचाइए। तो जो है बात करेंगे आप स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये ऑफिस हेल्पर की भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। ये साथ में जो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये मेडिसिन डिपार्टमेंट, यहाँ पे मेडिकल साइंस के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में ऑफिस हेल्पर 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा तो यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है ना। यहाँ पे देख लीजिए ऑफिस हेल्पर, और साथ में प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के यहाँ पर जो है 10th क्लास पास वाले इसमें जो है आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये पूरा वगैरह तो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्म यहाँ से भर दीजिए, डॉक्यूमेंट की PDF बना के सेंड कर दीजिएगा। और यहाँ पर 4 अप्रैल 2024 की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है। साथ में आपके लिए खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है, होमगार्ड्स के लिए भी यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जिसके अंतिम तिथि की बात करेंगे यहाँ पे जो है 21 अप्रैल, ठीक है, इसके संशोधन तिथि है। अंतिम तिथि यहाँ पे 15 अप्रैल है, ये 15 अप्रैल 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ये इसमें सीधी भर्ती के लिए होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा का मुख्यालय, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में नौकरी लोवर करते नहीं है क्या? यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म जो है वो आप ये भर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है आप देख लीजिए, यहाँ पदों पर विज्ञापन आ चुका है, यहाँ पर जो हवलदार और जो है ये आपका नागरिक सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर जो है ये। वहीं पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे AI आप सभी जानते हैं, और एयरपोर्ट की तरफ से सर्विस यहाँ पे आ चुकी है। 28 मार्च 2024 का विज्ञापन जारी हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो है ये इसमें पुणे की तरफ से यहाँ पे जो है ये पदों के नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये ग्रुप डी की भी अहम है इसमें जो है ये, और यहाँ स्थान दिया हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये भर्ती होगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो एयरपोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो है ये पूरा विज्ञापन यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया। 60,000 यहाँ पर सैलरी यहाँ पर इसमें दी जाएगी, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है डिप्टी मैनेजर है ना, डिप्टी पैसेंजर के लिए यहाँ पर जो क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इसके बाद जेई ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो है ये 29,000 सैलरी यहाँ पर ये, अब केवल BA BSc BCom अगर आपने कर रखा तो इसके अंदर फॉर्म ये वाला भर सकते हैं GR के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये GR टेक्निकल के लिए कस्टमर सर्विस के लिए यहाँ पर जो केवल और केवल ग्रेजुएट पास वाले इसमें आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये पूरा ब्यूरो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, मैंने ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। अब बहुत सारे भैया आपने तो डाउनलोड कर लिया, हमको बताइए हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म आप ये जो है वो भर सकते हैं। साथ में जो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे झांसी सैनिक स्कूल झांसी की तरफ से TGT साइंस के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आ चुकी है। वहीं सैलरी की बात करेंगे, सैलरी यहाँ पे 32,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, खाना पीना रहना दिया जाएगा आपको जो है ये TGT की सैलरी। यहाँ पर जो है ये UP का अंतर्गत TGT की संविदा पर भर्ती आ चुकी, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। 20 अप्रैल 2024 की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर फॉर्म आप जरूर भरिएगा, यहाँ पर ये अच्छी नौकरी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर नौकरी अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये 63,758 वाली नौकरी कर लीजिए, यहाँ पर जो ये ऑफिशियल साइट वगैरह ये देखा। अगर भाई आपके काम की वीडियो नहीं तो किसी को शेयर कर दीजिए, किसी की नौकरी लग जाएगी संविदा में। अगर टीचर है BA BEd करा हुआ, BSc BEd करा हुआ है, BA BEd करा हुआ, उसको शेयर कर दीजिए, यहाँ पर ये वाला फॉर्म भर देगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये वेबसाइट ये रखी है, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म आप जो है वो भर सकते हैं। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट बताई गई है। और एक भर्ती यहाँ पर रेवाड़ी की है ये, और साइट यहाँ पर ये रखी है, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म भर दीजिएगा। साथ में जो है निर्वाचन विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। बस्ती, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा है ना, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बनारस, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, संभल, शामली, यहाँ पर भर्ती विज्ञापन आ चुका, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म आपको कैसे भरना आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। 9 अप्रैल इसका अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है। साथ में ये वैकेंसी यहाँ पर है निर्वाचन आयोग की तरफ से, यहाँ पर जो है ये
कॉल सेंटर के लिए और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सैलरी आप 15,800 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। साथ में जो है आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं, है ना, तो आप सभी का दायित्व बनता है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप जो है शेयर भी कर सकते हैं, चारों तरफ जो शेयर कर दीजिए यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर कोर्स अपडेट भी यहाँ पे आ चुकी है, तुरंत मैं छत्तीसगढ़ पहुँचा उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तुरंत मैं आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिखाई दिया। तो भैया प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।